शिमला में रास्ता बिल्कुल ऐसा चढ़ा है, ऐसा चढ़ना पड़ा। ये है रिज मैदान का ऊपर से नजारा कुछ ऐसा है। ऊपर बैठने के लिए जगह है और ये देखो ये है ये चर्च, सामने से कितना सुंदर दिखता है। शिमला से निकल रहा हूँ, आज ही निकलूंगा, सिर्फ एक रात स्टे किया था यहाँ पर। घंटे बजेंगे। हनुमान भवन का 108 फीट वाला मूर्ति ये देखो कि आई लव शिमला भाई, पूरा हैंडमेड। ठंडी सीजन आने वाला है ना, बर्फ गिरता है ना, तो इसलिए यहाँ पर देखो हाथ से बुना हुआ। कितना है घोड़ा का? 150 ओनली। हम इतना सारा घोड़ा। ओ भाई हजुर एकदम ठीक राम्रो नेपाली आउँछ नेपाली आउँछ अलिअलि अलिअलि कितना लाख का है? 26 लाख। नाम क्या आपका? मेरा विश्वास राय। विश्वास है ना, मैं आपको यूट्यूब में देखता हूँ। यूट्यूब में बिक रहे जी। ओके जहाँ ये नहीं गया वहाँ आप चले गए यार। ऐसे गाइस हम करते हैं शिमला को बाय बाय, धन्यवाद। फिर दोबारा मौका मिले तो आएंगे भाई शिमला। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग गाइस। आज का व्लॉग शुरू हो चुका है शिमला से और मैं 77 डेज में भी पहुंच गया शिमला। कल रात पहुंचा था, अभी गाइस मैं घूमने आया हूँ शिमला। ठीक है, आज हम एक्सप्लोर करेंगे शिमला, जो यहाँ का मेन में टूरिस्टिक प्लेस है। उधर जाएंगे, पहले जाऊँगा गाइस चर्च और उसके बाद जाऊँगा गाइस मंदिर, हनुमान मंदिर, यहाँ का फेमस प्लेस। और शिमला सिटी का नज़ारा कुछ ऐसा है, सुबह सुबह का मौसम भी काफ़ी अच्छा है और ये देखो इतना ब्यूटीफुल देखते हैं। तो इसका नाम है रिज मैदान, बहुत बड़ा सा मैदान है और देखो टूरिस्ट तो भर भर के है। अब इस टाइम थोड़ा सीजन शुरू होने वाला है। ऊपर बैठने के लिए जगह है और ये देखो ये है ये चर्च, सामने से कितना सुंदर दिखता है। दाई इस चर्च का नाम क्या है? इस चर्च का नाम क्या है? अरे यार क्या हो रहा है दाई, इस चर्च का नाम क्या पता है? किसी को नहीं पता गाइज, किसी को नहीं पता। घंटा है ऊपर गाइज और क्या बोलते हैं इसको, येलो येलो कलर में और सुबह का मौसम कुछ ऐसा है। रिज मैदान का ऊपर से नजारा कुछ ऐसा है। यहाँ पर देखो टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते हैं, चल रहे हैं, इंजॉय ले रहे हैं। और यहाँ पर देखो इंडिया का फ्लैग कैसे फड़फड़ा रहा है। अभी जाएंगे गाइस यहाँ से मंदिर, यहाँ से समथिंग आधा घंटा जितना लगेगा, चल के जाएंगे, चल के वापस आएंगे। भाई इधर साइकिल अलाउ ही नहीं है तो साइकिल को मैंने नीचे छोड़ दिया। लेट्स गो। यहाँ पर भाई देखो सुबह सुबह पानी पूरी, ओहो कितना चटपटा वटपटा। शिमला में रास्ता बिल्कुल ऐसा चढ़ा है, ऐसा चढ़ना पड़ेगा। और ये देखो पार्किंग, अगर ये बे गए ना पूरा ये नीचे तक जाएगा, इतना भयंकर है यार। और मंदिर गाइस थोड़ा ऊपर है, जाने में आधा घंटा जितना लग जाएगा क्योंकि ऐसा पहाड़ है ना, तो चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ तो भाई गाड़ी का तो छोड़ो, इंसान का भी ब्रेक नहीं लगेगा सच में, इतना भयंकर है ये देखो। बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत मुश्किल सच में, बहुत भयंकर चढ़ा है। उसके बाद तो गाइस मैं शिमला से निकल रहा हूँ, आज ही निकलूँगा, सिर्फ एक रात स्टे किया था शिमला में। सच बताओ तो पहले दिन ही मूड ख़राब हो गया गाइस। यहाँ से पूरा अच्छा सिस्टम है, अगर बारिश हो गया तो यहाँ पर सेफ्टी मिलेगा और धूप से भी आप बच सकते हो। पर गाइस ऐसा पहाड़ है ना, तो चलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ब्रेक नहीं लगेगा। ब्रेक लगाओ भाई गिर जाओगे। तभी मैं पहुँच गया हनुमान मंदिर और यहाँ से गाइस गाड़ी भी आता था पर हम चल के आए। भाई साहब इतना थक गए, ये देखो गाड़ी आने का। तो यहाँ से जाएंगे ऊपर दर्शन करने के लिए। यहाँ से मेन गेट शुरू होता है और ये देखो हनुमान मंदिर, यहाँ पर घंटे बजेंगे। यहाँ पर देखो हनुमान भगवान का सेना, बंदर राजा। तो हम इतना चल चल के आए गए सांप जैसे है यहाँ पर। अभी थोड़ा ऊपर जाएंगे और नज़ारा देखेंगे ऊपर से। अभी मैं पहुँच गया जाखू मंदिर, यहाँ पर देख सकते हो हनुमान भवन का 108 फीट वाला मूर्ति, ये देखो कितना बड़ा है भाई। बजरंगबली का गदा देखो। यहाँ से गाइस बजरंगबली पूरा शिमला को देखता है और प्रोटेक्ट करते है। ये देखो इतना बड़ा गदा है वो भाई, जिंदगी में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये देखो कितना बड़ा स्टैचू है, पेड़ देखो भाई, पेड़ देखो मेरा जितना पेड़ है। जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय शंभु। और ऐसे गाइस पूरा शिमला सिटी देखता है, पांडवपुत्र भगवान की जय। भाई शिमला आके एक चीज अच्छा लगा, यहाँ आके दर्शन हुआ काफी बढ़िया है। और गाइस यहाँ आने के लिए आप केबल कार भी यूज कर सकते हो, गाड़ी में भी आ सकते हो या चल के भी आ सकते हो।
हम तो भाई गरीब बंदे तो हम चल के आए, अमीर बंदे गाड़ी में आते, गाड़ी केवल खार में। मन भगवान का दर्शन भी हो गया मंदिर में और देखो प्रसाद भी मिल गया। अब यहाँ पर गए भंडारा है, ये देखो नीचे खाना खाएंगे उसके बाद जाएंगे यहाँ से। ये देख सको इतना ज़्यादा लंबा लाइन है। जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय शंभू, जय श्री राम। ऐसे ऊपर मंदिर तो पूरा घूम लिया, चलो मार्केट घूमते हैं। यहाँ पर देखो भाई पूरा मार्केट है, क्या क्या गाइस उधर जाके देखेंगे ठीक है। मनाली में मतलब शिमला में कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई, मनाली और शिमला। महादेव भी, हर हर महादेव, जय शंभू। अंडा वगैरह, चश्मा वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और ये देखो हैंडमेड, ओ कितना सुंदर है, आप ही बनाते हैं मैम। ओ स्नैक, स्नैक टैंक, क्या क्या मिल रहा है। ये है स्पैनर, क्या बोलते हैं इसको, स्पैनर स्पिलर। आई लव शिमला भाई, पूरा हैंडमेड। ठंडी सीजन आने वाला है ना, बर्फ गिरता है ना, तो इसलिए यहाँ पर देखो हाथ से बुना हुआ पाता है। शिमला में गए आप लोगों को घोड़ा भी मिलेगा, ये देखो यहाँ से शुरू होता है घोड़े, आप यहाँ घूम सकते हो चढ़ के। कितना है घोड़ा का? 150 ओनली। वाह बहुत सस्ता है यार 150 तो। ये देखो आम, इतना सारा घोड़ा, कितना सुंदर सुंदर है, सपट सपट घोड़ा। हो पूरा घूम लिया शिमला भी और आप लोगों को शिमला का नज़ारा भी दिखा दिया। अभी गाइस आज शायद मैं निकलूँगा, अभी फिलहाल बज चुका है 1-2 या 3 बजे। मैं निकल भी गया तो समथिंग 20 किलोमीटर तो मैं राइड कर लूँगा, तो देखेंगे भाई क्या सीन होगा। तो देख सकते हो नज़ारा तो कुछ ऐसा है, इधर से गया था पूरा दर्शन हो गया मंदिर और आपको चर्च भी घुमा दिया। शिमला का जो फेमस फेमस प्लेस है, जो मेन मेन टूरिस्ट जाते हैं उधर घुमा दिया। और यहाँ से थोड़ा दूर दूर है बाकी टूरिस्टिक प्लेस, तो उधर हम नहीं जाएंगे। शिमला में ना ऐसा चढ़ाई पहाड़ अप डाउन है ना, आपको इधर एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा आप फिट हो जाओगे ऐसा है गाइस। ये देखो सीढ़ी अप डाउन अप डाउन। ये क्या है दाई? ये बटूरा गाइस, देखो बटूरा। नहीं खाना अभी, खा के आया पूरा। एक दिन के लिए मैं इधर रुका था नेचुरल गेस्ट हाउस में, तो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से मैं सीधा जाएगा गाइस चंडीगढ़, 109 किलोमीटर है पूरा डाउनहिल है। फिलहाल 2:30 हो चुके हैं, देखेंगे कितने बजे पहुँचेंगे। नेपाल, नेपाल से साइकिल पे आए? हाँ साइकिल में आया था। नेपाल से साइकिल पे आए? हाँ पूरा साइकिल में। खराब नहीं होती रास्ते में? खराब हो जाती है, होता है ना, बनाना पड़ता है। खुद बनाते हो? पंचर वगैरह मैं बनाता हूँ और दूसरा पार्ट्स वगैरह वो डालना पड़ेगा शोरूम में साइकिल का। ये है बस पार्क और यहाँ से आप चंडीगढ़, मनाली, लद्दाख जा सकते हो। मैं जाएगा भाई साइकिल में, और मेरा साइकिल का जो चेन है वो उतर गया गाइस, इसको लगाना पड़ेगा। चेन उतर गए, चेन। यहाँ से ना गाइस आपको ट्रेन भी मिलेगा, देख सकते हो ट्रेन जाने का रास्ता, ऐसा पहाड़ों में भी आता है पूरा ट्रेन। मेरे साइकिल का चेन उतर गया, इसको लगाना पड़ेगा, हाथ काला हो गया। यहाँ से सोलन 43 दिखा रहा है और चंडीगढ़ 114 किलोमीटर। गाइस मैप में तो 109 किलोमीटर दिखा रहा था, पता नहीं। चलो चलते गाइस आराम आराम से, एकदम बड़ा बड़ा बाइक्स क्रम। ओ भाई हजुर, एकदम ठीक राम्रो। नेपाली आउँछ? नेपाली आउँछ अलिअलि अलिअलि। आप कहाँ से? यहीं से। अच्छा जी, शिमला कब पहुँचे? कल पहुँचा था। कल पहुँचा? हाँ। अभी कहाँ जा रहे हो फिर? अभी मैं चंडीगढ़ दिल्ली। अच्छा आज भी निकल रहा हूँ। फल खाओ, फल लो। खाना? हाँ खाना खा लिया। फ्रूट ले लो, फ्रूट। ओह आप लोग फ्रूट खरीद के दोगे मुझे? अरे यार गाइस देख सकते हो भाई, मेरा भी ड्रीम है ऐसे बाइक लेने का। कौन सा बाइक है भाई आपका? मेरा ट्रायम्फ है टाइगर। कितने लाख का है ये? 26। 26 लाख ये बाइक? ओ माय गॉड, कितने सीसी का ये? 1200। 1200 सीसी, 26 लाख का बाइक देख सकते हो, 1200 सीसी। मेरा तो ये, मेरा भी सुपर बाइक है। हमारा दाई मुझे फल फ्रूट खरीद के दे रहे भाई शिमला में, बहुत अच्छा लगा। जानते हो उनको?
साइकिल से अरे नेपाल से इंडिया घूम रहे भाई, घूम रहे कब से, चलो बढ़िया है। हाँ यहाँ पे लेना, ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, थोड़ा ताकत मिलेगा और चलाना बढ़िया, ओके भाई आराम से चलाना यार, थैंक यू भाई, थैंक यू मुझे भी। आप लोग यहाँ लोकल? हाँ मैं यहीं से बोलूँ। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा विश्वास राय। विश्वास है ना, मैं आपको यूट्यूब पे देखता हूँ, यूट्यूब में बिक रहे थे। ओके आराम से जाना था। ओके थैंक यू, ओके ओके ओके। कितना लाख का बोला? 26। ओहो आपके नेपाल के ही है अभी? नहीं वो लोकल है, नहीं नेपाली बोल रहे थे ना आपको भाषा। हाँ थोड़ा थोड़ा आता है डायलॉग को नेपाली, नेपाली भाषा बोल रहे थे। अच्छा है, आप कहाँ से? हम भी उधर के ही, गोरखपुर। गोरखपुर शिमला का जो घर है अलग डिजाइन का होता है, बिल्कुल अलग। लद्दाख का अलग भाई, मनाली का अलग, जम्मू कश्मीर का अलग, शिमला का अलग, अलग अलग भाई। लाइफ में क्या है, एक बार घूमना चाहिए, एक्सपीरियंस तो आपको हर टाइप का मिलेगा, अच्छा बुरा बेस्ट और वर्स्ट सब एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर गाइस थोड़ा जाम है, चलो गाइस मैं इधर से निकलता हूँ। ये देखो जाम जाम, यहाँ से मैं गिर गया तो किसी के घर के नाले में भाई पड़ा रहूँगा। आज देखेंगे गाइस, मैं सोच रहा था सोलंग वैली तक पहुँच जाएगा, यहाँ से 40 किलोमीटर जितना दूर है, अगर ऐसा डाउन हिल रहा तो आराम से पहुँच जाएगा, अगर डाउन हिल नहीं है चढ़ाई है तो भाई बहुत मुश्किल होगा। सर चंडीगढ़ इधर से जाता है? चंडीगढ़, चंडीगढ़, थैंक यू सो मच सर। पूरा मैं डाउन हिल जा रहा हूँ तो चश्मा पहनना पड़ेगा आई प्रोटेक्शन के लिए, और ग्लव्स भी पहन लूँगा भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाइक साइकिल कुछ भी राइड करोगे, फर्स्ट सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, ऐसे डाउन हिल है ना तो मजा आ रहा है भाई साइकिल कूदाने में भी। ऐसे गाइस हम करते हैं शिमला को बाय बाय, धन्यवाद, नमस्ते, फिर दोबारा मौका मिले तो आएंगे भाई शिमला, नमस्ते, यहाँ से वेलकम, विदा हो गया। हमने गाइस आज शिमला को भी टाटा कर दिया। रास्ते में देखो भाई इतना सारा गुड़िया आपको मिल जाएगा, खरीद के ले जा सकते हो अपने घर में। चाचा जी बढ़िया, ये ऊपर से देख रहे हो ना जो वैली, ये सोलन वैली में पहुंच गया गाइस, मैं तो सीधे सीधे जा रहा हूँ चंडीगढ़ की ओर तरफ। अभी फिलहाल गाइस 5 बज चुका है, तो अभी टाइम है मेरे पास 6-7, 2-3 घंटा, तो 2-3 घंटे में गाइस 10-15 किलोमीटर तो आगे जा ही सकता हूँ। चंडीगढ़ यहाँ से 71 किलोमीटर देख सकते हो, लगता है गाइस आज मैं पहुँच जाऊँगा अगर ऐसा डाउन हिल रहा तो। डाउन हिल में मैं थोड़ा तेज जाता हूँ ना, साइकिल भी तेज चलता है। आपसे मिलने का मन था, बात करने का मन था। अच्छा 2 मिनट रुकेगी आप? जी हाँ, फैमिली ये सब मिलना चाहते हैं आपसे। अच्छा कहाँ से आप लोग? हम लोग दिल्ली से हैं, यहाँ घूमने आए थे, आपको देखा तो मन करा के बात करते हैं आपसे थोड़ी देर। अच्छा आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे ना? नहीं नहीं डिस्टर्ब तो नहीं है। आप वही हो जो वहाँ भी गए थे, केदारनाथ वगैरह भी गए थे क्या ना? हाँ क्या हाल है? बढ़िया एकदम मस्त। बढ़िया यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं देखा आपको मेरा मिलते हैं। अच्छा और ठीक ठाक खाओगे पियोगे कुछ? हाँ खाने के लिए तो मन नहीं है, पानी है तो। हाँ कुछ जूस वूस? चलो आगे चलो, हाँ चलो हमारे साथ हैं, कुछ खाते पीते हैं। ओके श्योर श्योर, चलो आओ चंडीगढ़ से दिल्ली, उसके बाद मुंबई लास्ट। अच्छा इस बार मैं अमरनाथ आया था इधर कश्मीर में, उसके बाद लद्दाख मनाली शिमला भी घूम लिया, अब सीधा मैं भी जाऊँगा दिल्ली, आऊँगा दिल्ली भी घूमना है। तो नंबर दो, दिल्ली मिलेंगे फिर आपसे? आप नंबर ले लो भाई, दिल्ली में आओगे आप कॉल करना, मिलेंगे आपसे, दिल्ली रहते हैं हम भी। श्योर, और अगर एक आधी रात स्टे करने की दिक्कत हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं। श्योर श्योर, ठीक है। फिलहाल गाइस रात होने वाला है, 6 बजने वाला है, और देख सकते हो भाई टनल के अंदर पूरा उजाला, टाइम का उधर देखो पूरा कोड़ा ही कोड़ा, ओए 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 ओए, इतना जोर जोर से हवा दे रहे हैं और ये देखो कोड़ा ही कोड़ा,
हर हर महादेव, जय शंभो। देखो क्या मौसम है यार, तूफान आने वाला है लगता है मुझे। ऐसे वापसी रिटर्न हो रहा है, यहाँ पर गुरुद्वारा है तो उधर जाके गाइस एक दिन पूछेंगे भाई रुकने के लिए। ये है धर्मपुर और धर्मपुर में गुरुद्वारा भी है। वैसे थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा शायद, जी भी नहीं बताया किधर से। भैया गुरुद्वारा आगे सीधा है, बट वहाँ पर रुकने का व्यवस्था नहीं। अच्छा रुकने का व्यवस्था नहीं है यार, रुक जाओ हमारे पास ऊपर क्या चल रहा है। एक तल पूछ के आता हूँ भैया, नहीं रुकने देते हैं जो दोनों को। गाइस रुकने नहीं दिया तो कैंप करना पड़ेगा। अच्छू यहाँ गुरुद्वारा में तो रुकने के लिए नहीं मिलेगा, अभी यहाँ से निकलते कैंप कर देंगे भाई किधर जाके। ओके दाई थैंक यू। इधर से मैं 3 बार ओढ़ दौड़ कर चुका हूँ, 2 बार जाने का 1 बार आने का। आज मैं धर्मपुर में रुका था ट्रेन लगा के, और यहाँ पर भाई किसके साथ मुलाकात हो गए, अभी मैं आप लोगों को मतलब पहचान कराऊंगा। ठीक है नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, और कैसे हो आप लोग? ठीक है एकदम बढ़िया। हाय कैसे? बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया हमारे छोटे भाई को देख के, बहुत आनंदित हुए, अभी साथ में बैठे है। वही तो मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत हमें बहुत खुशी मिली। मुझे भी भाई मिले, हमें बहुत खुशी मिली आज कि हमारे नेपाल से भी हमारे भाई यहाँ पर इंडिया घूमने आए हुए अभी साइकिल में, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी दाई। और गाइस मैं वहाँ पर सो रहा था, दाई लोग मेरे से मिलने आए, उसके बाद खाना खिलाने के लिए गाइस यहाँ पर लेकर आए और खाना भी खिला रहा है, अभी खाना भी खाऊंगा। और सोने के लिए गाइस हम दूसरी जगह जा रहे हैं। इस देखो मेरे ट्रेन निकल रहा हूँ और फिलहाल रात के 9 बज चुका है। दाई भी मदद कर रहा है बेचारा, बहुत हेल्पफुल दाई मिला यार। और गाइस फर्स्ट टाइम किसी पहलवान से मिला हूं। ओके ओके। दे आप कल कुश्ती करोगे? कल कुश्ती करेंगे। आप भी करोगे? हां भाई, कुश्ती देखने का मौका मिलेगा जिंदगी में फर्स्ट टाइम। और मेरा साइकिल देख सकते हो यहाँ पर है, फ्लैग मैंने अंदर रख दिया। गाइस धर्मपुर में मैं इस भाई के साथ रुकने वाला था, टेंट लगा के पूरा टेंट सेंट लगा दिया था, अभी यहाँ से गाइस मैं निकल रहा हूँ भाई के साथ। वाओ भाई ऐसा भी होता है। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया हेल्प किया था, कल मिलेंगे। ठीक है फिर से जा रहा हूँ यहाँ से शिफ्ट होके, और अभी हम जाएंगे गाइस गेस्ट हाउस में। दाई लेकर जा रहा है गेस्ट हाउस, तो दाई पीछे पीछे आ रहा है, मैं आगे आगे। आज पूरा थक गया मैंने ना गाइस, शिमला से 60-70 किलोमीटर ऊपर चला दिया आज, आ रहा है गाड़ी में। नहीं तो करके पूरा फ्रेश हो गया, अभी आज यहीं पर सोएंगे और उसके बाद कल फिर से राइड शुरू होगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा गाइस? अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।